दोस्तों, फेशियल जैसा ग्लो पाने के लिए अपनी क्रीम पे बस इसे मिलाकर आप लगा लें तो आपके चेहरे पर फेशियल जैसा ग्लो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेमेडी को बनाना। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ मेरी रेगुलर क्रीम। आप जो भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं वो क्रीम आप ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं स्किन फ्रूट की जॉय क्रीम ले रही हूँ। आपकी जो भी फेवरेट हो आप वो क्रीम एक चम्मच एक बाउल में निकाल लीजिए। दोस्तों, इस क्रीम में आपको ऐड करना है रोज वाटर यानी गुलाब जल। फ्रेंड्स, जब रोज वाटर इस क्रीम के साथ मिल जाएगा तो हमारी स्किन टोन को फेयर और ग्लोइंग फेशियल जैसा लुक देने के लिए ये काफ़ी अच्छी रेमेडी होने वाली है। इसमें मैं थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर रही हूँ और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपकी स्किन को फेयर ग्लोइंग बनाने के साथ साथ आपकी स्किन को बिल्कुल ही बेबी सॉफ्ट बनाने में ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाली है। काफ़ी सारी क्रीम्स में रोज़ वाटर की प्रेजेंस ना होने की वजह से वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्रीम है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अपने फेस को वॉश करने के बाद आप इसे नाइट में अप्लाई कर सकते हैं या फिर जब भी आप फ्री हों आप इसे मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करने के बाद आपको इसे 10 टू 15 मिनट्स अच्छी तरीके से अपने फेस पर मसाज करनी है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होगी और आपकी स्किन को अंदर से निकालेगी। फेशियल जैसा ग्लो आपको घर पर ही इस क्रीम को स्टेप से यूज़ करने से मिल जाएगा। बस आपको अपनी क्रीम में ये एक चीज़ को मिलाना है और अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से नेचुरल लुक देगा और आपकी स्किन को बिल्कुल ग्लोइंग व फेयर बनाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, अगर आपको स्किन से रिलेटेड या हेयर केयर से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे गाइस, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।